एक साइड में रास्ता नीचे गया हुआ है, अभी रास्ता कहाँ गया वो पता नहीं। काफी डरावना रास्ता लग रहा है, क्योंकि नीचे जाते ही जाते जितना हम नीचे बढ़ रहे हैं उतना अंधेरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, लखनऊ में सुल्तानगंज बांध और बनारसी बाग के बीच में एक चौखा महल खड़ा हुआ है, जिसे आज हम बटलर पैलेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम इसी बटलर पैलेस में आए हैं एक्सप्लोर करने बटलर पैलेस को। आज आपको दिखाएंगे क्या रहस्य है इस बटलर पैलेस का। काफ़ी सुनसान जगह है और काफ़ी रहस्य दबे हुए हैं इस बटलर पैलेस में, तो आइए पूरा दिखाते हैं आपको और चलते हैं इस बटलर पैलेस के अंदर ही। हूँ मैं इस समय बटलर पैलेस के, और ये पूरा देख रहे हैं चारों तरफ से कि बटलर पैलेस है, बटलर पैलेस के अंदर है, चारों तरफ से इसके जंगल ही जंगल है और आप देख सकते हैं पूरा। तो चलिए आइए पहले ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। दोस्तों, इस समय हम बटलर पैलेस के थर्ड फ्लोर पे, और काफ़ी यहाँ सुनसान है, काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है और थोड़ा सा होता नहीं, थोड़ा डरावनी वाइब्स वो भी मुझे आ रही है, पता नहीं क्या। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी चिमनी दी गई है, वो मतलब यहाँ पे मुझे देखा गया मैंने कि हर एक रूम में चिमनी आ रही है, और यहाँ पे अगर हल्की सी भी आवाज़ आती है पैरों की आवाज़ तक यहाँ पे हम लोग को सुनाई दे रही है। काफ़ी सुनसान है, ऐसा लग रहा है कहाँ पे हम आ गए। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कमरा देखिए कितना आलिशान ये महल है, जो आगे खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। कितना बड़ा सा रूम है, देखिए यहाँ भी देखिए चिमनी दी गई है। बैठने का दोस्तों, ये आप देख रहे हैं चौखट इतनी ऊंची ऊंची बनी हुई है, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और काफी सुनसान लग रहा है। इधर आपको थोड़ा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पास ये देखिए दोस्तों, चिमनी। ये दोस्तों चिमनी है, जैसे पहले के समय में लोग यहाँ पे ठंडियों में जो है लकड़ियाँ जलाते हैं, पूरा चिमनी का काम करती थी। चिमनी है, पुराने समय की चिमनी है, और इधर से ये इसका जो है रोशनदान पूरा ऊपर निकला हुआ और काफ़ी टूट फूट चुकी है। आपके ऊपर से देखिए पूरा जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है ये बंगला, और अगर ये बनता, अगर ये बन जाता तो काफ़ी इसकी जो है भव्यता को देखते ही बनता है। और काफ़ी सुनसान जगह है, कोई मुझे दिख नहीं रहा है, और मेरे दोस्त के द्वारा बताया गया कि बटलर पैलेस का ब्लॉग करना चाहिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ बटलर पैलेस के बारे में। तो इधर देखिए बालकनी है, तो बालकनी कैसा देखते हैं इधर, ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी सी बालकनी दी गई है यहाँ पे, काफ़ी प्यारी बालकनी है। और थोड़ा सा उधर से कोशिश करते हैं, इधर आप देख रहे हैं कितनी तोड़ फोड़ की गई है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साइड में एक रूम मिल रहा है, देखें इधर क्या है। इस साइड भी देखिए काफ़ी रूम है और काफ़ी भूल भुलैया की तरह है ये। आराम से चलते हैं, एक सेकंड सामान से थोड़ा सा चलते हैं, देखिए पूरा एक एक कदम पे जो है पूरा खतरा ही खतरा दिख रहा है। ये क्या है, ये छोटा सा रूम मे भी शायद यहाँ पे पहले टॉयलेट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉट टूटे हुए पड़े हुए हैं, और शायद यहाँ पे चारों तरफ से रोशनदान, जैसे हमने अभी पुराना टॉयलेट देखा था उसी टाइप का एक भी मुझे देखने को मिल रहा है। शायद शायद ये टॉयलेट ही हो, ये रोशनदान। ये क्या है दोस्तों, इस रास्ते ये थोड़ा सा गेट टूटा हुआ है, लॉक कर दिया गया है गेट इस साइड। ये अंदर से भी काफ़ी कमरे हैं यहाँ पे, अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि यार गेट लॉक किया गया, तो किसी रीज़न से ही लॉक किया गया। दोस्तों चलिए ऊपर लेके चलते हैं, सीढ़ियाँ हैं यहाँ से रास्ता गया है, और आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये जो जालियाँ देख रहे हैं आप, ये पहले के समय में रोशनदान का काम करती थी, देखिए यहाँ पर जाली बनाई थी, लाइटें होती नहीं थी, बहुत कम लाइट होती थी, इसलिए रोशनदान जिससे वेंटिलेशन भी अच्छा होता था और रोशनी भी आती रहती थी। तो आइए आगे चलते हैं ऊपर थोड़ा सा।
दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं एक रास्ता गया हुआ है, ये रास्ता यहाँ निकला हुआ है, शायद यहाँ पे पहले रोशनदान हुआ करता था, टूट गया या फिर ऐसे कोई रास्ता दिया गया। चारों तरफ से जंगल है, जंगल के बीच में बैठे हुए और ऊपर थोड़ा सा चलते हैं। दोस्तों इस समय हम बटलर पैलेस के टॉप फ्लोर पे और आप ये देख रहे हैं पीछे से गुंबद है, बिल्कुल ऊपर हम आ चुके हैं 5th फ्लोर पे और रास्ता भी काफ़ी ख़राब था, आप देख सकते हैं ये रास्ता था इधर से हम ऊपर आए थे। और इधर जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो सामने जो है उस साइड में, ये साइड में जो है लिफ्ट थी, मतलब लिफ्ट से जो आपसे वो नीचे लिफ्ट दिखाई थी, लिफ्ट से शायद ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा पास आइए। दोस्तों ये रोशनदान है, ये गुंबद के बीच में रोशनदान बनाया गया जिससे रोशनी होती थी, आप नीचे से जो बालकनी छोटी सी दिखती, छोटी छोटी बालकनी बनाई गई है यहाँ पे और यहाँ से रोशनी आती थी, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन होता था वहाँ से। और ये इधर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जीने बनाए गए छोटे छोटे, जैसे कोई होता था थोड़ा सा सीढ़ी उड़ी लगा के यहाँ से चढ़ जाते थे ऊपर, और ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि यार वैसे भी ये इमारत काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, काफ़ी पुरानी और बंजर हो चुकी है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर चढ़ेंगे तो नहीं, क्योंकि। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम जो है टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं बटलर पैलेस को, अपनी वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेकार लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम थोड़ा सा अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी ना करते हुए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए हम देर ना करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों हम चलते हैं इधर से नीचे और फिर से नीचे उतरते हैं, तो और देखिए यहाँ से भी दीवार भी टूटी हुई, मतलब इस पूरा खंडहर, और आप कुछ दिन बाद शायद यहाँ आने और लायक भी न रहे। और आपको दिखाऊं, ये देखिए चारों तरफ से जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल दिखाई पड़ेगा। और ये पहले से हम नीचे चलते हैं यहाँ से, तो ये जीना टूटा हुआ है यहाँ से, तो ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से आना है इधर, पहली चीज़ तो आराम से उतरना है, जीना यहाँ पर टूटा हुआ है, हम नीचे चलते हैं। दोस्तों हम वापस चलते हैं, यही रास्ता है वापस जाने का जिससे हम आए थे, गुंबद का रास्ता है, तो चलिए हम वापस चलते हैं। पहली चीज़ एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो प्लीज़ आप लड़कियां कोई भी हो तो यहाँ आने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, अकेले भी नहीं और किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि यहाँ 1% भी सेफ नहीं है, लड़कों के लिए तो सेफ नहीं, लड़कियों की तो बात ही क्या। तो देखिए शायद गार्डरूम या कुछ भी बना होगा, ये भी पूरा खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और झाड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है, तो चलते हैं। और यहाँ से यहाँ बहुत सारे जानवर भी होंगे।